ओंटारियो दे ओकविल च पिछले साल गोलियां मार के कतल किए गए अरमान ढिल्लों दे कतल केस विच फड़े गए दो पंजाबियां सने तीन शक्कियां दी पछाण पुलिस ने जनतक कर दी सी, जिन्हां दे विच कुलवीर भाटिया, जोसफ रिचर्ड ते करणवीर संधू शामिल ने। लंबी जांच तो बाद हाल्टन पुलिस ने पील पुलिस अते हैमलटन पुलिस की मदद दे नाल ग्रेटर टोरंटो एरिया विच तीन थावां ते 4 अप्रैल नूं सर्च वारंट जारी किया सी। इसे दौरान अलबर्टा दे रमान ढिल्लों दे कतल केस विच दो पंजाबियां सने तीन लोगों नूं गिरफ्तार किया गया सी, जिन्हां दी पछाण कैलगरी दे वासी 25 साला कुलवीर भाटिया, पिकरिंग दे वासी 30 साला जोसफ रिचर्ड ते एडमंटन दे वासी 29 साला करणवीर संधू वजों हुई है। रीजनल पुलिस ने इस मामले संबंधी जानकारी देंदे हुए चानना पौंदियां दस्या है कि 19 अगस्त 2022 नूं ओंटारियो च ओकविल दे बेल्ट लेन अते लिटल फील्ड रोड खेतर विच गोलीबारी दी घटना वापरी सी। सूचना मिलन ते जदों पुलिस पार्टी मौके ते पुजी तां उत्थे एक व्यक्ति दी गोली लगण कारण मौत हो चुकी सी, जदकि एक महिला गंभीर जख्मी हालत दे विच मिली। मृतक दी पछाण अलबर्टा दे वासी 27 साला अरमान ढिल्लों वजों हुई। पुलिस दा कहना है कि सोची समझी साजिश दे तहत कीता गया कतल है, जिसनूं सूबाई सरहदां टप के अंजाम दिता गया, भाव अलबर्टा सूबे तों ओंटारियो विच कीती गई। दस दिए कि अरमान ढिल्लों नूं साल 2018 दे विच एडमंटन दे एक नाइट क्लब विच गोलीबारी मामले च फर्स्ट डिग्री मर्डर दे दोष चों बरी कर दिता गया सी। इस घटना विच एक 30 साला व्यक्ति दी मौत हो गई सी। जमानत ते रिहा होण तों पहलां ढिल्लों ने 17 महीने हिरासत विच बिताई सी। अरमान ढिल्लों दी रिहाई वेले उसदे वकील ने कहा सी कि ढिल्लों अपने भूतकाल विचों बाहर निकलण दी कोशिश करेगा। हाल्टन पुलिस वालों ढिल्लों दे कतल केस विच फड़े गए कुलवीर भाटिया, जोसफ रिचर्ड ते करणवीर संधू ते फर्स्ट डिग्री मर्डर अते कतल दी कोशिश दे दोष आयद कीते गए। हाल्टन पुलिस दे डिप्टी चीफ जेफ हिल ने कहा कि वारदात स्थानक लोकां दे लई वी काफी खतरनाक सी, पर किस्मत दे नाल इस वारदात दौरान किसी होर व्यक्ति नूं कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। On August 19th, 2022, at approximately 1 a.m., Halton Police were called to the area of Belt Lane and Littlefield Road in Oakville, following numerous reports of suspected gunshots. Upon police arrival, two victims, one male and one female, were located suffering from gunshot wounds. The male party was pronounced deceased at the scene, while the female victim was transported to hospital with serious injuries. The suspects fled the scene in a vehicle shortly after the shooting. The male victim of this homicide was identified as 27-year-old Armand Dillon of Alberta. The adult female, who was in the company of the deceased victim, survived the shooting but sustained life-altering injuries. On April 4th, 2023, the Halton Regional Police Service, with the support and assistance of the Peel Regional Police Service and the Hamilton Police Service, carried out simultaneous search warrant operations at three different locations in the Greater Toronto Area. During this operation, three males were arrested and charged in relation to the murder of Armand Dillon. 30-year-old Joseph Richard Whitlock of Pickering, Ontario, 29-year-old Karanveer Sandhu of Edmonton, Alberta, and 25-year-old Kulveer Bhatia of Calgary, Alberta, have been charged with first-degree murder and attempted murder. None of the accused were on a form of release for violent crime at the time of the murder. The investigation into this homicide revealed that it was a targeted and planned out murder that crossed provincial lines as part of a larger criminal based conflict. Bureau Report, Channel Punjabi.